राजनीतिक दौरा है। तो जोर से बोलो, आज बड़वानी दौरे पे आप, ये राजनीतिक दौरा है? नहीं, वहाँ पर हमारा जो नायक जी स्वतंत्रता सेनानी थे आदिवासी समाज के, तो आज उसके बना शहादत दिवस था, उसमें मैं आया था और काफ़ी बना करीब 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि कुछ माला की और बाकी फिर समाज संबंधी बातें की। हम लोगों ने समाज को एकजुट रहना चाहिए, और वर्तमान में जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का गुप्त एजेंडा है आरक्षण खत्म करने की बात करें तो, वो अपना कर्मचारियों का अपना प्रमोशन वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में SC ST वाला जो सुपरसीड कर दिया, उसके ऊपर सारी बातें लोगों ने की। तो हमने कहा इस मामला तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसका निश्चित फैसला पक्ष में होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मतलब लापरवाही और उनके वजह से ये सब ये हो रहा है, जबकि संविधान में वास्तविक अधिकार है, बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये सारी व्यवस्था रखी है, जो दबे हुए शोषित पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति OBC और उनका हक है, तो उनके ऊपर एकदम BJP प्रहार कर रही है कि उन कैसे उनको बना आरक्षण ख़त्म किया जाए और उनको बना लूप लाइन में भेज दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। सर, क्या अरुण यादव बगावत की राह पर उतर चुके हैं? पार्टी उन्हें किस तरह नियंत्रित करेगी? ऐसा कुछ नहीं, कल बढ़िया हो गया, कल जोरदार शानदार मतलब नवनियुक्त अध्यक्ष कमलनाथ जी आए थे, और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिराज सिंधे जी भी आए थे, अरुण भी थे, दिग्विजय सिंह जी, सारे नेता एक मंच पर एकजुटता हमने की है। 2018 नवंबर का मिशन हम ताकत के साथ पूरा करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे। CM के लिए सिंधिया को प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, क्या नुकसान था पार्टी को इससे? भाई, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है तो अब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या आने वाले समय में वो CM के दावेदार हैं? मुख्यमंत्री जी रहे, दिग्विजय सिंह जी पूरे मुख्यमंत्री भी रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं, और वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस आदिवासी CM कब बनाएगा? 70 वर्ष बीत चुके हैं, इसके बाद क्या बनाएगा? भाई, जब कांग्रेस का बहुमत आ जाएगा सरकार बनाने की, फिर हाईकमान उसका फैसला करेगा।